वेलकम टू फ्लेवर्स विद चरनी। आज के वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही यमी और क्विक बनने वाले डेजर्ट की रेसिपी। दूध को यूज़ करके हम बनाएंगे क्विक एंड इजी बासुंदी की रेसिपी। बहुत ही जल्दी बनने वाली है, घर में मिलते हुए चीज़ों से बन जाती हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं बनाना बासुंदी। बासुंदी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लो हीट पर गर्म करने लग दिया है कढ़ाई में 1 लीटर दूध। फुल क्रीम दूध यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और मेक श्योर कि कढ़ाई आप मोटे बॉटम वाली यूज़ करें ताकि बासुंदी जो है हमारी जले नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से केसर के धागे ताकि बासुंदी में हमारे बहुत ही अच्छा सा कलर और फ्लेवर आ जाए। और अब हमें दूध को बॉईल करना है। दूध यहाँ पे हमारा उबलने लगा है, उस पर जो मलाई आ रही है उसे हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। बासुंदी जो होती है बहुत ही क्रीमी और दानेदार होती है, इसमें हमें लच्छे नहीं बनने देना है। इसे हम कंटिन्यूस मलाई को स्क्रेप करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। 1 लीटर दूध यहाँ पे हमने लिया है, हमें इसे हाफ़ तक रिड्यूस करना है, यानी जब तक दूध आधा लीटर नहीं हो जाता हमें इसे इसी तरह से मिक्स करते हुए पका लेना है। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से बादाम, पिस्ता और चारुली यानी कि चिरौंजी मैं ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते हैं, ऊपर से गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह से दूध को हल्की आंच पे हम पकाते हुए आधा होने तक रिड्यूस कर लेंगे। बासुंदी अब हमारी हल्की सी थिक हो गई है, तकरीबन 3/4 तक दूध रह गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शक्कर। यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून शक्कर ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हमने शक्कर ऐड की है, ये भी अपना पानी रिलीज करेगी, थोड़ी सी पतली होगी फिर गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी और हम 5 से 7 मिनट तक बासुंदी को कुक करेंगे। साथ ही साथ मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट तक और पकने देंगे। 5 से 7 मिनट तक बासुंदी को मैंने और पका लिया, ये अब हो गई है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है क्योंकि हमने ज़ाफ़रान यानी कि केसर ऐड किया है इसमें। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप येलो फूड कलर 2-3 ड्रॉप्स ऐड कर सकते हो। ये रबड़ी की तरह थिक नहीं होगी, हल्की सी पतली ही रहेगी। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और फिर सर्विंग डिश में निकाल के ऊपर से ड्राई फ्रूट के साथ में गार्निश करेंगे। बासुंदी को रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैंने सर्विंग डिश में निकाल के पिस्ते से गार्निश कर दिया था। ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी जब ये कम्प्लीटली ठंडी हो जाएगी। आप इसे रूम टेम्परेचर पर भी सर्व कर सकते हो या फिर फ्रिज में रख के चिल्ड भी सर्व कर सकते हो। होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें।